हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मोनिका, आप देख रहे हैं राउत फैमिली व्लॉग्स। और आज का जो व्लॉग है उसका स्टार्टिंग हो रही है सुबह के टाइम से, और अभी टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं अभी। तो अभी 9 बजे से मैं इस व्लॉग का कर रही हूँ स्टार्ट। और अभी जो है मैं अभी हम दोनों ही हैं घर पे, सीतू और ये दोनों हॉस्पिटल गए हुए हैं क्योंकि वही वैक्सीनेशन का ही चल रहा है आजकल, क्योंकि वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है ना। तो ये सुबह, ये तो पहले ये चले गए थे, फिर वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी, फिर उन्होंने बोला कि तो सिद्धू को भेज दे, तब तक सिद्धू लाइन में लगी रहेगी, क्योंकि कह रहे लाइन भी इतनी ज़्यादा, मतलब लाइन लगी हुई है वहाँ कि होगा तो मेरा, बट सिद्धू इसलिए गई है क्योंकि अभी अभी उठी नहीं है, और ये उठती है ना तो सबसे पहले मेरे को ही ढूंढेगी, और अगर मैं वहाँ चली जाऊँगी और इसको मिलूँगी नहीं तो फिर ये रो रो के फिर हालत ख़राब करेगी। तो इस वजह से ये कह रहे थे कि सिद्धू को भेज दे, तो सिद्धू तो चली गई है वहाँ लाइन वाइन में, वो लगेगी, फिर जब नंबर आने वाला टाइम रहेगा तब तक अभी भी उठ जाएगी, और फिर तब मैं जाऊंगी, मतलब जब थोड़े से ही रहेंगे। तो इसलिए जो है सीतू पहले चली गई है, तो अभी वो वहाँ रहेगी, तब तक मैंने दोनों ही वही रहेंगे। और अभी मैं देखती हूँ, अभी को उठाती हूँ, इतनी ज़्यादा मतलब हो रहा है ना वैक्सीनेशन का, क्योंकि सिर्फ वही लग रहे हैं, बाकी कहीं लग ही नहीं रहे, तो इतनी ज़्यादा भीड़ है सुबह, मतलब 5, 6, 7 बजे से सब चले जा रहे हैं। और अभी शायद स्टार्ट तो लेट ही होने वाला है, 10 बजे से शायद स्टार्ट हो, 9:30 या तो हो गया होगा शायद अब, बट सुबह से लाइन लगी हुई है। तो अभी तो देखते हैं क्या क्या होता है आगे, और आज भी पता नहीं, कह रहे बहुत लंबी लाइन है, तो लगेगा नहीं लगेगा कोई कंफर्म नहीं है, बट फिर भी सीतू गई है लाइन वाइन में लगने के लिए। तो देखते हैं अभी कब तक नंबर वगैरह आता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, बहुत ज़्यादा। कल मतलब परसों तो 2-4 दिन पहले गए थे हम, फिर ए उसके बाद तो एक दिन बीच में लड़ाई हो गई थी वहाँ, इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है कि मतलब कोई गए हुए थे इधर से ही, तो कह रहे थे कि वहाँ ना लड़ाई हो गई। फिर अब पता नहीं अब क्या सिस्टम कर दिया उन्होंने, कूपन वगैरह का, कि कूपन वगैरह दे रहे हैं उन्हीं को अंदर जाने दे रहे हो शायद, ऐसा नहीं तो पहले सब लाइन में लगे हुए थे, लाइन तो लग रही है बट अंदर रूम में शायद 10-10 करके जा रहे होंगे, तो ऐसा पता नहीं क्या कर दिया है अब। तो मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है वहाँ, इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है कि क्या ही बताएं। और अभी जो है मैंने सोचा व्लॉग का स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि कल भी मैंने व्लॉगिंग नहीं करी, परसों भी नहीं करी, क्योंकि ऐसे हो रहा है अब हम, जैसे कि मेरी सिस्टर की वेडिंग है तो बस उसी की तैयारियों में लगे हुए हैं, मैं सित्तू दोनों, जो जो हमारे छोटे मोटे काम हैं, मतलब कपड़े वगैरह जो हमें रखने हैं वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो उसी में सारा टाइम निकल जा रहा है, तो व्लॉग्स वगैरह करने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा। तो मैंने सोचा आज भी व्लॉग बनेगा नहीं अगर मैंने उसको कंटिन्यू ही नहीं किया, तो इस वजह से मैंने सोचा अभी स्टार्ट कर देती हूँ व्लॉग। अभी भी सो रही है और देखते हैं अभी उठेगी तो शायद हम दोनों ही चले जाएं, फिर जाना तो पड़ेगा, क्योंकि वैसे तो लग जाता आराम से, बट मुझे जैसे कि घर जाना है, तो फिर रास्ते में वो कह रहे कि पूछ रहे हैं कि 2 वैक्सीन वगैरह का कि लगी है नहीं लगी है, क्योंकि टाइम भी हो गया है, ये होता है ना टाइम नहीं होता तो शायद ऐसा होता कि चलो फर्स्ट अभी लगी है तो सेकंड तो बाद में लगेगी, पर टाइम भी हो गया है मेरे सेकंड डोज का, और अभी तक मतलब इस वजह से ज़्यादा हो रहा है, नहीं तो फिर कल, ये कह रहे हैं कल और सुबह सुबह हमें जाना पड़ेगा। बारिश भी हो रही है बाहर आज, आज पता नहीं क्यों बारिश का मौसम हो रखा है बाहर, अभी जैसे सीतू गई ना तो बारिश में ही गई वो, मतलब बूंदे छोटी छोटी वैसे पड़ रही थी, तो फिर बारिश ही हो रही थी उस टाइम पे, तो अभी तो वैसे इतनी नहीं है, थोड़ी बहुत हुई थी, फिर अभी बंद हुई है। और मैं देखती हूँ मैडम को उठाती हूँ, ये कह रहे थे उसको उठा ले, फिर क्या पता जाना पड़े हमें। और ये मैंने कल बनाए हैं, जैसे मैंने ये पहले बना लिए थे ना जो रेड कलर के थ्रेड से बनाए थे, थ्रेड से कड़े, और उनके ऊपर ये वाले स्टोन लगाए हैं, मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे, तो ये रिसीव हो गए थे मुझे 4-5 दिन में रिसीव हो गए थे, तो ये मैंने भी इतना कर लिया है। और मैंने बीच में थोड़ा सा ग्रीन का भी किया हुआ है, छोटे छोटे कड़े हैं तो उसमें मैंने ग्रीन कलर से इस टाइप से स्टार वगैरह, मतलब जो भी मुझे मतलब वो स्टोन वगैरह रिसीव हुए थे ना उसके अकॉर्डिंग मैंने इसमें डिज़ाइन वगैरह करने का थोड़ा सा ट्राई किया है, तो ये इस तरीके से हैं, और ये भी 3 ही है, इनके साथ का भी मुझे बनाना है, तो देखती हूँ कब तक बनेगा। बाकी ये है, और स्टोन वगैरह मुझे बहुत मिले हैं, और ये भी प्लाज के साथ एक गोंद भी मिला है, वैसे तो मैं लेके आई थी बट जो स्टोन वगैरह मुझे मिले हैं उनके साथ ये भी मिला था, तो इसी से मैं लगा रही हूँ, मैंने सोचा शायद इससे ज़्यादा अच्छे से वो लग जाएंगे, तो इससे मैं लगा रही हूँ अभी उनको। तो ये पूरा डिब्बा इसमें स्टोन वगैरह मिले हुए हैं मुझे,
ऐसे छोटे छोटे पाउच में दिए हुए हैं, स्टोन वगैरह बहुत हैं, 14-15 शेप में ही इस तरीके से हैं। तो मतलब आधा इतना मैंने कर लिया ही, तो मैंने कल ही कर लिया था जब मैं सीतू जब ये मुझे रिसीव हुए थे ना, तभी कर लिया था थोड़ा सा। मैंने कहा देखती हूँ अगर चिपकेंगे सही से तो ठीक है, नहीं तो मैं सोचा रिटर्न कर लूँगी इनको। टाइम तो नहीं चिपक रहे, बट ऐसे लगाने के बाद ना इनको थोड़ा सा मतलब रखना पड़ता है आराम के लिए। और अभी देखती हूँ, मैं सोच रही हूँ अब इन्हीं का पूरा सेट बनाऊँ मैं सी मतलब थ्रेड सिल्क से ही। और ये मेरे पास कुछ ऐसी चूड़ियाँ हैं नॉर्मल कांच वाली ग्रीन, तो मैं सोच रही हूँ इनके ऊपर भी थ्रेड मतलब ये जो सिल्क वाला जो थ्रेड है ना उसी से पूरा इसको भी कवर कर लूँगी ताकि थोड़ा अच्छा लुक आएगा चूड़ियों का। तो अभी देखती हूँ ये सारी चीज़ें भी करनी है, पहले अभी को उठाती हूँ मैं, क्या पता वहाँ फिर जल्दी जल्दी जाना पड़े, तो पहले मैं अभी को उठाती हूँ। का उठो, ओहो कैसे सोया है? ओ नीनू है, इधर से आओ, इधर से, इधर से आओ, इधर आओ, इधर इधर चुंगू है ये, तो मेरा चुंगू है, कैसे कैसे सोता है? क्या चुंगू पप्पा, तो अभी भी उठ चुकी है और अभी तो हम जाएंगे नहीं, इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई ना वहाँ बहुत भीड़ है, भी इन्होंने वीडियो कॉल करी थी तो इतनी ज़्यादा मतलब बाहर तक भीड़ लगी हुई है। तो अभी तो देखते हैं हम दोनों ऐसे रहेंगे घर पे ना। गुस्सा ब्रश कर लो जरा, सुबह सुबह उठ के अबा ब्रश कर, ऐसे करते हैं ब्रश ओए कैसे ब्रश है ये, ऐसे नहीं करते अबू। ये बात होती है वही वही तो भी मैं हो गई हूँ रेडी और ये भी आ गए वहां से। ये तू आ क्या तैयार वी दबली दाना वो तो भेजना मुन्ने पे बोले बोला मना मैं जगह सी तोर हां क्या मैं दला की मिली मिल जान। तो अभी हम तीनों जा रहे हैं और पहले तो मुझे लगा सीतू घर पे रह गई अभी के साथ, बट सीतू वहाँ से दूसरी जगह चली गई है क्योंकि वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है, फिर वहाँ शायद दूसरी जगह इतनी ज़्यादा नहीं है तो वो वहाँ से दूसरी जगह चली गई दूसरे हॉस्पिटल में शायद, क्योंकि आज से कह रहे हड़ताल वगैरह लगी थी तो अभी वो न खुल गई है, हड़ताल वगैरह नहीं है। और तो अभी हम तीनों जा रहे हैं वहाँ, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है वहाँ भी हमें। अब कहता हमने अपने को बुड्ढा बना रखा है बुड्ढा, तनी तनी हवा चली है, तनी तनी हवा जाओ उधर आओ ना चल जाओ ना लड़े दी कौन ना मैं बोला तुम चले जाओ, क्या करना था उसने हमारे साथ, उसके पास बाइक थी ना हमारे साथ, क्या करना था उसने तो फिर हम आ चुके हैं वहाँ से, वैक्सीन लग चुकी है मुझे एंड यहाँ तो नहीं लगी थी, फिर वहाँ गए थे प्रेमनगर, प्रेमनगर गए हैं ना, तो वहाँ से जो है वैक्सीन लगवा के भी आए हैं और काफ़ी टाइम लग गया, वहाँ भी बहुत भीड़ थी, 12 बज चुके हैं एंड अभी यहाँ से जा रहे हैं हम मतलब इधर तो आ गए, सब्जियाँ वगैरह ले ली हमने और अभी हम जा रहे हैं इधर, कल मैंने सूट साड़ी वगैरह दी थी तरफ पीको और इंटरलॉक वगैरह करने के लिए, तो वहीं जा रहे हैं वो भी लेते चलेंगे घर। और आज का मौसम ऐसा हो गया है तो बात थोड़ी सी बारिश हो रही थी, अभी ठीक है। तो कैसा लगा सुबह सुबह मेरी जगह गया
हाँ सीत की मजा आएगी घूम घूम के हैं है? अभी यहाँ काम चल रहा है, मतलब स्टार्ट हो ही गया इधर आगे से, तो ये वो ये लगने स्टार्ट हो गए इधर आगे, ये ना इसमें आगे इसमें लगने यहाँ स्टार्ट हो गया है। जल्दी इधर डबल लाइन हो जाएगी, जल्दी तो नहीं टाइम तो थोड़ा बहुत लगेगा, ज़्यादा नहीं लगने वाला। और तो मैडम सब्जी लेके कैसा लग रहा है, घर रो जा अबा डॉगी का है अबा बोल जरा ले जब चाकू डाल दे। अभी हम आ गए हैं सूट साड़ी जो भी था वो भी हम लेके आ गए हैं। बस अभी और बारिश की बूंदे गिरी हैं, बारिश हो रही है, बारिश की बूंदे गिरी हैं तो बारिश भी हो रही है। अभी सीधे घर चलते हैं और ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन हो रहा है तो अभी देखते हैं लॉकडाउन सिद्धू कह रही जिस दिन बारात आएगी, सिद्धू कह रही जिस दिन बारात आएगी ना यहीं से नए कपड़े पहन के ऑनलाइन करेंगे वही तो अभी तो देखते हैं, कंफर्म तो नहीं है, शायद लग भी सकता है लॉकडाउन जब तक हम घर जाएंगे और बारिश हो रही है तो जल्दी जल्दी हम घर चलते हैं। एंड इस व्लॉग का जो है मैं यहीं पे कर देती हूँ एंड मिलूंगी आपसे एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सिद्धू बाय करते हैं।